तीन चुड़ैल बहू की सौतेली सास। शाम के समय करुणा किचन में खाना बना रही होती है कि तभी उर्मिला नाम की चुड़ैल पीछे से उसका पैर खींचकर उसे जमीन पर गिरा देती है और करुणा बोलती है, हाय दैया, मर गई, तूने मेरा पैर खींचकर मुझे गिराया, अरे सामने आओ। इतना बोलकर करुणा खड़ी होती है और इधर उधर देखने लगती है, लेकिन उसे वहाँ कोई नहीं दिखता कि तभी अनामिका चुड़ैल करुणा को जोर का तमाचा मारती है, जिससे करुणा गोल गोल घूमते हुए किचन से बाहर जाकर गिर के बेहोश हो जाती है। तभी सौम्या चुड़ैल कहती है, इस बुढ़िया को हमने अच्छा सबक सिखाया। हाँ, बिल्कुल सही कहा, देखा ना तुम सबने कैसे हथनी की तरह धड़ाम से जमीन पर गिरी थी। ये तो कुछ भी नहीं, आगे चलकर तो हम इसे कठपुतलियों की तरह नचाएंगे। ऐसे ही अगली सुबह जब करुणा दीवार पर पेंटिंग लगाने के लिए हथौड़े से कील ठोक रही होती है कि तभी उर्वशी करुणा का हथौड़ी वाला हाथ पकड़कर उसके दूसरे हाथ पर मारने लगती है। ये देख करुणा हैरान होकर बोलती है, हे भगवान, ये क्या हो रहा है मेरे साथ, मेरे हाथों पर मेरा खुद का बस नहीं चल रहा। जैसे तैसे करुणा खुद का हाथ बचाती है और रूम में जाकर फर्स्ट एड बॉक्स से डिटॉल निकालती है और कॉटन से जख्म को साफ करने लगती है कि तभी सौम्या डिटॉल की शीशी बदल कर वहाँ तेजाब की शीशी रखकर बोलती है, अब देखना इस बुढ़िया का हाथ कैसे कबाब की तरह भुनेगा। जख्म को साफ करने के बाद करुणा तेजाब की शीशी डिटॉल समझकर उठाती है और अपने हाथ पर डाल देती है, जिससे करुणा का पूरा हाथ लाल होकर जलने लगता है और करुणा बोलती है, ये क्या किया मैंने, ये तो तेजाब की शीशी है, अब मुझे जल्दी से अपना हाथ धोना होगा, नहीं तो मेरा पूरा हाथ जल जाएगा। इतना बोलकर करुणा हाथ धोने के लिए बाथरूम की ओर भागती है। तभी अनामिका अपना पैर अड़ा देती है और करुणा लड़खड़ाते हुए दीवार से जा भिड़ती है, जिससे उसके सिर पर चोट लग जाती है। इसी तरह तीनों चुड़ैल हर रोज करुणा को परेशान करती, कभी उसके ऊपर गर्म पानी फेंक देती तो कभी उसे सीढ़ियों से गिरा देती। इन सब चीजों से परेशान होकर करुणा एक दिन नदी के किनारे बैठी होती है और उसी वक्त उसके सामने तीनों चुड़ैल आ जाती है और बोलती है, क्या हुआ सासुमा? चुड़ैल को देखकर पहले तो करुणा डर जाती है, फिर हिम्मत करके बोलती है, तुम चुड़ैलों ने मुझे सासू माँ बोलने की हिम्मत कैसे की, जब मैं अपनी तीनों बहुओं की सास नहीं बनी तो फिर तुम चुड़ैलों की क्यों बनूंगी। तीन बहुएं क्या मतलब, हम कुछ समझे नहीं, मैंने अपनी तीन खूबसूरत बहुओं को मार दिया तो फिर तुम क्या चीज हो, अब हट जाओ मेरे रास्ते से और जाने दो मुझे। अच्छा तो तूने हमें मारा है, हम यही हकीकत तो जानना चाहते थे, हमें शुरू से ही लगता था कि तूने हमें मारा है, पर हमने यकीन नहीं किया, लेकिन आज तूने सच बोलकर हमारा ये भ्रम तोड़ दिया, अब बता कि तूने हमें क्यों मारा था। अनामिका के इतना बोलते ही करुणा समझ जाती है कि ये तीनों वही हैं और वो बोलती है, तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से मैं तुम्हें अपना राज बता दूंगी, कभी नहीं कभी नहीं। तो फिर तू हमें ऐसे नहीं बताएगी, लगता है हमें तेरी अकड़ तोड़नी ही पड़ेगी, तभी तू अपना मुंह खोलेगी। इतना बोलकर सौम्या करुणा को नदी में धक्का देती है। जैसे ही करुणा नदी में गिरने वाली होती है कि तभी सौम्या उसका हाथ पकड़कर बोलती है, तेरे पास ही आखिरी मौका है, अगर तूने हमें सच नहीं बताया तो हम तुझे मगरमच्छ से भरे इस नदी में फेंक देंगे, जिसके बाद मगरमच्छ तुझे खा जाएंगे। नदी के खूंखार मगरमच्छों को देखकर करुणा का दिल दहल जाता है और वो डरते हुए बोलती है, रुको ऐसा मत करो, रुको रुको, मैं तुम्हें सब सच बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से निकालो। करुणा के मुँह से हाँ सुनकर सौम्या उसे अपनी ओर खींचती है और तभी उर्वशी बोलती है, जल्दी बता। बताती हूँ सुनो। सोनपुर गांव में रमेश अपने तीन छोटे बेटों के साथ रहता था। उसकी पत्नी का 2 वर्ष पहले ही देहांत हो गया था, जिसके बाद रमेश ने बच्चों की परवरिश के लिए करुणा नाम की औरत से दूसरी शादी कर ली थी, जिसके बाद करुणा बच्चों को पालने लगती है और वक्त के साथ रमेश के तीनों बेटे बड़े हो जाते हैं। तभी एक दिन रमेश करुणा से बोलता है,
तुमने मेरे बच्चों को सगी माँ से बढ़कर प्यार किया, ये मुझ पर तुम्हारा बहुत बड़ा एहसान है। अब इस बेवकूफ को कौन बताए कि मैंने 3 बच्चों के बाप से सिर्फ पैसों के लिए शादी की है, क्योंकि ये बहुत अमीर है। इतना सोचकर करुणा बोलती है, इसमें एहसान कैसा, ये तो मेरा फर्ज था। तुम बहुत अच्छी हो करुणा। वैसे मैं तुम्हें एक खुशी की बात बताता हूँ, हमारे तीनों बेटे के लिए रिश्ता आया है। तीनों लड़कियाँ संस्कारी और सुशील हैं। तुम्हें सोच रहा हूँ लगे हाथ ये शादी करवा ही देता हूँ। हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये तो बहुत ही खुशी की बात है। ठीक है, फिर मैं पंडित जी से शादी की मुहूर्त निकलवाता हूँ। जिसके बाद रमेश पंडित जी से शादी की मुहूर्त निकलवाता है। कुछ ही दिनों बाद रमेश के तीनों बेटे की शादी हो जाती है, जिसके बाद तीनों बहुएं घर का सारा काम संभाल लेती हैं और अपनी सौतेली सास को शिकायत का एक भी मौका नहीं देती। लेकिन इसके बावजूद भी करुणा उन्हें जली कटी सुनाने का एक भी मौका नहीं छोड़ती। ऐसे ही एक दिन करुणा मन में सोचती है, पहले इस जायदाद में ये 4 हिस्से कम पड़ गए थे, जो ये 3 और आ गई, अब मुझे इन्हें भी देना पड़ेगा। पर मैं इन्हें क्यों दूं, क्यों ना मैं इन्हें रास्ते से ही हटा दूं। इतना सोचकर करुणा अपनी तीनों बहुओं को आवाज देती है, अरियो निकम्मियो, कहां मर गई तीनों की तीनों, जल्दी मेरे सामने आओ। करुणा की आवाज सुनते ही उसकी तीनों बहुएं उर्वशी, अनामिका, सौम्या उसके सामने आ जाती हैं और उर्वशी बोलती है, जी सासुमा, आपने हमें याद किया, क्या कुछ चाहिए आपको? हाँ, इसीलिए तो तुम तीनों को यहाँ बुलाया है। अब सुनो उर्वशी, तुम मेरे लिए गाजर का हलवा बनाओगी, और अनामिका तुम खीर, और सौम्या तुम अभी 1 कप मेरे लिए चाय लेकर आओ। ठीक है सासुमा, मैं बस अभी लेकर आती हूँ। जिसके बाद तीनों बहुएं किचन में जाकर अपनी सास की फरमाइश का खाना बनाने लगती हैं, और तभी करुणा बोलती है, यही सही मौका है, इस वक्त घर में कोई नहीं है और ये तीनों किचन में हैं, तो क्यों ना मैं इन्हें किचन में ही जलाकर मार डालूं, इससे किसी को मुझ पर शक भी नहीं होगा, जिससे सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। इतना बोलकर करुणा केरोसिन ऑयल लेती है और दबे पांव किचन के बाहर जाकर किचन का दरवाजा बंद कर देती है और डिब्बे का ढक्कन खोलकर पूरा तेल दरवाजे के नीचे से किचन में बहा देती है और माचिस जलाकर वहां से भाग जाती है। वहीं किचन के अंदर तीनों बहुएं आग में झुलसकर मर जाती हैं। अपने जायदाद को खोने के डर से मैंने तुम तीनों को मार डाला और अब वो सारी जायदाद सिर्फ मेरी है। ये सारी बातें सुनकर उन तीनों चुड़ैलों को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और अनामिका बोलती है, तूने चंद रुपयों पैसों के लिए हम तीनों से हमारी जिंदगी छीन ली। अरे हम तो तुझे सगी सास से भी बढ़कर मानते थे, लेकिन वो कहते हैं ना, सौतेली सौतेली ही होती है, कभी सगी नहीं हो सकती। तेरा नाम करुणा है, पर क्या तुझे इस नाम का मतलब भी पता है? मतलब दया, रहम, लेकिन ना तो तेरे अंदर दया है और ना ही माँ की ममता। अपनी चुड़ैल बहुओं की बात सुनकर करुणा की आंखों में पानी भर जाता है और वो बोलती है, मैंने जो कुछ भी किया मुझे उसका पछतावा है, माफ कर दो मुझे। जिस इंसान की इंसानियत मर जाती है उसे जीने का कोई हक नहीं। इतना बोलते ही उर्वशी करुणा को नदी में धक्का दे देती है और नदी के सारे मगरमच्छ करुणा को खा जाते हैं। करुणा के मरते ही तीनों चुड़ैल बहुओं की आत्मा को मुक्ति मिल जाती है। जुड़वा चुड़ैल बहन। रात के सन्नाटे में गांव के खुले मैदान में बने एक रंग मंच पर अनेकों रंग बिरंगी लाइट जगमगा रही थी। स्टेज के ऊपर एक हसीन लड़की स्टेज परफॉर्मेंस कर रही थी, तो वहीं दूसरी लड़की माइक में गाते हुए कहती है, ये जलवा फैशन का है, ये जलवा दौलत भी है, ये जलवा नशा ही नशा, ये जलवा मजा ही मजा, ये जलवा। रंगमंच के करीब से एक युवक अपने आप में झूमता हुआ चला जा रहा था, पर अचानक रंगमंच से आ रही तेज रोशनी उसकी आंखों पर पड़ते ही वो कहता है, अरे दादा, ये चमक धमक कैसा लागत है गांव में, कानू नचनिया का नाच चलत है का? चल रे बबलुआ, तने काखे तो सेक ले। बबलू रंगमंच की खाली कुर्सियों पर बैठकर कहता है, ये सबन कुर्सियां खाली काहे हैं, गांव के बुरबक नौजवान इतना सुनहरा मौका छोड़कर कहां गुल हैं। बबलू आंखें फाड़ कर उन दोनों खूबसूरत लड़कियों की तरफ ताकते हुए कहता है, वाह का बात है, एकदम गदागद,
मचा दी लचक दी। हा 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 हा। तुम्हारी चाल में बबूनी रूप से कामिनी चाल है उर्वशी। मजा आ गया, मजा आ गया। ये सुन दोनों लड़कियां हंसने लगती हैं कि अचानक रंगमंच गायब हो जाता है और वो दोनों भयानक चुड़ैल में बदल कर कहती हैं, क्या हुआ, तुम्हारा दिल इतने जोरों से क्यों धड़क रहा है? अभी तो हम तुम्हें अप्सरा और वशी कामिनी और न जाने क्या क्या लग रहे थे। अरे बबलुआ भाग, वरना ये चुड़ैल हमरा लंका लगा दी। दोनों चुड़ैल उसको मार कर उसकी लाश घसीट कर अपने भूतिया घर में ला कर कहती हैं, अरे ओ मिशा, जल्दी से इस मुर्दे की बोटियों के छोटे छोटे टुकड़े कर ले, तब तक मैं इन बर्तनों को साफ कर लेती हूँ। अगर तेरा प्रवचन खत्म हो गया हो तो बर्तन ला, खाली पीली भेजा ना खा। दोनों चुड़ैल मिल बांट कर काम खत्म करके खाना पकाती खाती और इंसानों की तरह रहा करती, और हर रात गांव में सन्नाटा होने के साथ चुड़ैल गांव के खाली मैदान में अपने छलावे का माया जाल बुनकर लोगों को मार डालती। आज रात भी वो रंगमंच पर खड़ी होकर कहती है, मैं हीरोइन हूँ। मेहरबान, कदरदान, कमीनों का खानदान। मूर्ख चुड़ैल, स्टेज परफॉर्मेंस ऐसे होस्ट किया जाता है क्या? मेहरबान, कदरदान, आप सभी के बीच में आकर मिस मिशा अपने हुस्न के जलवे बिखेरने जा रही हैं। गालियां, मतलब तालियां। हाल ही में गांव में आया हुआ मोहित उनके खूबसूरत रूप से अट्रैक्ट होकर वहां आ बैठता है और कहता है, वाओ एक्सीलेंट, यू आर द बेस्ट। कितना अच्छा रैंप वॉक किया आपने। आपके कदम इस गांव की धूल मिट्टी के लिए नहीं बल्कि सपनों के शहर मुंबई की सुर्खियां बटोरने के लिए हैं। ऐसा सुनकर दोनों चुड़ैल अपने खूंखार रूप में आकर हंसते हुए कहती हैं, अरे निशा, ये तो हम चुड़ैलों को चांस दे रहे हैं। क्यों ना हम दोनों इस चांस पर डांस मार ले। ओह माय गॉड, ये तो चुड़ैल है, मतलब कि दोनों जिंदा नहीं मुर्दा है। तुझे तो पहले ही समझ जाना चाहिए था कि हम चुड़ैल हैं। ये रंगमंच तो सिर्फ एक जरिया है मौत का मंच बनाने का। दोनों चुड़ैल उस इंसान को मार कर उसके खून से लथपथ लाश को घसीट कर अपने भूतिया घर के अंदर लाकर मार कर खा जाती हैं। अगली सुबह सारे गांव वाले डर कर कहते हैं, रोज की तरह आज भी ये खून के निशान उस भूतिया घर के पास जाकर खत्म हो रहे हैं। ये दोनों चुड़ैल रोज किसी न किसी को अपना शिकार बना रही है। साले, पहले हमसे हुई भूल हमारी जिंदगी की दुश्मन बन बैठी है। हम गाँव वालों ने अनजाने में बड़ी भूल कर दी, मुझे तो आज भी वो दिन याद है। हरिपुर गांव में रहने वाली दो जुड़वा बहनें निशा और मिशा बिना माँ बाप के पली बड़ी लड़कियां थीं। वे दोनों काफी रूपवती और पढ़ी लिखी थीं। दोनों का बचपन से ही एक ही सपना था, मुंबई जाकर मॉडलिंग करने का। एक रोज दोनों तय करती हैं, हम दोनों के कदम इस घिसी पिटी जिंदगी के लिए नहीं बने, हमारे पास रूप भी है और हुनर भी। हम दोनों बहनें पढ़ी लिखी हैं, वक्त आ गया अब जब हम अपने मॉडलिंग के सपने को साकार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी वॉक स्टाइल, लुक, सब कुछ एकदम परफेक्ट है। अच्छा, जैसे इस बात की भनक गांव के लोगों को होती है, वो गांव के मुखिया के पास आकर कहते हैं, अरे मुखिया जी, गांव में आपका राज रहते हुए भी वो दोनों बहनें गांव के सारे नियम लगातार तोड़ रही हैं। एक तो उन दोनों तितलियों ने पढ़ लिख कर सालों से चली आ रही प्रदा प्रथा की कुरीतियों को चकनाचूर कर दिया। अब जो अंतिम कमी कसर बाकी रह गई है तो वो शहर जाकर नचनियों की तरह मॉडलिंग करना चाहती हैं। सज्जन सिंह के इस राज में इस गांव की कोई भी लड़की हरिपुर की सीमा पार नहीं कर सकती। आज पंचायत में उनके हौसले चूर चूर होंगे। सांझ को गांव में पंचायत की बैठक में मुखिया कहता है, सभा शुरू की जाए। मुखिया जी, इन दोनों बहनों ने गाँव का नाम बदनाम कर रखा है। क्यों काका, ऐसा भी क्या कर दिया है हम दोनों बहनों ने? घोर अनर्थ, तुम दोनों बेशरम बेहया लड़कियों के माँ बाप तो मर गए, पर अपनी अश्लीलता की मूरत इस गांव की इज्जत पर कारिक पोतने को छोड़ गए। एक बात तो तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये सज्जन सिंह का गांव है, राजपूतों का गांव। खबरदार कि अपने कदम इस गांव से बाहर रखने की सोची भी तो उड़ान भरने से पहले तुम्हारे पर कतर कर रख दूंगा। क्यों, गांव की सीमा पार करने का हक सिर्फ गांव के पुरुषों को है, हमें नहीं? अब क्या तुम गांव के पुरुष प्रधान समाज की बराबरी करोगी? इतना बल है तुम में? मर्द जात बल में बड़े हो सकते हैं, पर बुद्धि में एक औरत ही बड़ी होती है। हम अपने सपनों की उड़ान भरेंगी। सुना आप सभी ने, आप जैसे रूढ़िवादी लोगों की सोच ही समाज में रहने वाली लड़कियों के लिए अभिशाप बन गई है। दोनों बहनें मुखिया और तमाम गांव वालों को खरी खोटी सुनाकर चली जाती हैं।
मुखिया जी, इन दोनों ने तो बेशर्मी की हद पार कर दी है। मुझे तो डर है कि कहीं इन्हें देखकर हरिपुर की तमाम लड़कियां भी पिंजरे से फर्र होने की कोशिश ना करें। सज्जन सिंह की राजपूताना गुस्सा इन्होंने देखा नहीं है। प्राण जाए तो जाए, वचन नहीं जाएगा। आज रात इनके घर समेत जला देंगे। रूप रंग जलने के साथ मॉडलिंग बनने का सपना भी खाक में मिल जाएगा। पूरा गांव मुखिया के षड्यंत्र में शामिल होकर आधी रात उन दोनों बहनों के घर के चारों तरफ से आग लगा देते हैं और वो दोनों जलते हुए कहती हैं, आह, तुमने हमारे शरीर को जलाया। पर ये हमारा अंत नहीं, आरंभ है। हम लौटेंगी क्योंकि मरने के बाद इंसान के बनाए सारे दायरे समाप्त हो जाएंगे। दोनों बहनें जलकर चुड़ैल बनकर भटकने लगी। इस दिन के बाद से कोई भी इंसान अंधेरा होने के बाद वहां से नहीं गुजरता था। लेकिन अब वो लौट आई है। अंधेरा होने के साथ दोनों चुड़ैल प्रकट होती हैं और गांव वाले उनके सामने आकर कहते हैं, बस करो, ये मौत और खौफ का खेल। हम तुमसे हार मानते हैं। क्यों, अब नहीं रोकोगे हमें? तुम हमसे क्या चाहती हो? अगर तुम हमको मारना चाहती हो तो हमें मार डालो। रोज के हड़कंप से अच्छा एक दिन की सुकून भरी मौत मिले। हमसे भूल हो गई। यही पश्चाताप तो हम सुनने को बेताब थे। अगर तुम चाहते हो कि गांव का माहौल पहले की तरह शांति भरा हो जाए तो इस गांव की तमाम लड़कियों को पढ़ने लिखने का मौका दो। जिस सपने को हम साकार ना कर सके वो गांव की तमाम लड़कियां कर सके। मैं वादा करता हूँ कि आज से इस गांव की तमाम लड़कियों के लिए सारे पाखंडी दायरे खत्म कर दिए जाएंगे। अब से हम दोनों चुड़ैल बहनें अपने ही घर में रहा करेंगी जहाँ हम पहले रहती थी, और हम किसी को नुकसान नहीं पहुँचाएंगी। लेकिन इस बार किसी भी लड़की के लिए दायरे बनाए या उन्हें कैद करने की सोची तो हम उसको यमलोक पहुँचाने में देरी नहीं करेंगी। उस दिन के बाद से दोनों चुड़ैल बहनें अपने भूतिया घर में इंसानों की तरह एक साथ हंसी खुशी रहने लगती हैं और इंसानों की तरह काम करने लगी। एक दूसरे के लिए खाना पकाती थी, घर की सफाई करती थी और एक दूसरे के लिए कपड़े धोया करती थी। एक माँ की पांच बेवकूफ चुड़ैल बेटियां। शाम के समय रज्जो छत पर अपने कपड़े धो रही थी। अचानक से उसके गंदे कपड़े अपने आप हवा में उड़ने लगते हैं। तो एक तरफ बाल्टी में वो खुद कपड़े भीगने लगते हैं, वहीं तीसरी ओर कपड़े निचोड़ कर खुद रस्सी पर सूख जाते हैं। ये सब देखकर रज्जो के होश उड़ जाते हैं और वो कहती है, अरे अरे बाप रे, ये कपड़े हवा में अपने आप कैसे उड़ रहे हैं? कहीं कोई भूत भूत तो नहीं आ गया कोई यहाँ पे? देखते ही देखते रज्जो के सारे कपड़े धुलकर सूख जाते हैं। उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर वो अपने बर्तन धोने जाती है तो देखती है बर्तन अपने आप धुल रहे हैं, वहाँ झाड़ू अपने आप लग रही है, एक तरफ खाना पक रहा है। ये देखकर वो भौचक्की रह जाती है और डर कर कहती है, राम राम राम, ये मेरे घर में क्या हो रहा है? कहीं सच में कोई चुड़ैल तो नहीं आ गई? ये झाड़ू बर्तन खाना सब अपने आप कैसे हो सकता है? कुछ देर बाद सारे बर्तन गिरने लगते हैं, झाड़ू का कूड़ा रसोई में चारों ओर फैल जाता है और बनाया हुआ खाना भी सारा जल जाता है। ये सब देखकर रज्जो शक्ल बनाकर कहती है, मुझे पता चल गया ये सब कौन कर रहा है। पांचों की पांचों मेरे सामने आ जाओ चुपचाप। रिंकी, मोनी, तीशा, गायत्री, मेनका, मेरी मदद करने आई हो या मेरे घर का काम बढ़ाने आ गई हो फिर से? रज्जो के इतना कहते ही पांचों चुड़ैलें उसके सामने हंसकर आ जाती हैं और कहती हैं, आपने हमें बुलाया और हम चले आए? मेरी मति मारी गई जो मैं तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों को दोबारा बुलाऊं। तुम्हारे कारनामे देखकर मैं समझ ही गई थी ये तुम पांचों के अलावा कोई और कर ही नहीं सकता। माँ, हम तो बस आपकी मदद करने आए हैं। तुम आज पहली बार तो मदद कर नहीं रही हो। देखा है तुम कितनी मदद करती हो। एक ने बर्तन तोड़ दिए, दूसरी झाड़ू कैसे लगा रही है, तीसरी को अभी तक खाना बनाना नहीं आया। चुड़ैल बनने के बाद भी तुम्हें अकल नहीं आई है, वही बेवकूफी वाले काम कर रही हो। माँ, अब बस भी कीजिए, हम तो आपकी मदद ही कर रहे थे। वो अलग बात है कि मदद की जगह हमने आपका काम बढ़ा दिया। कोई बात नहीं माँ, हम ये सब दोबारा साफ कर देंगे। हाँ माँ, अब तो आपके पास आ गए हैं ना हम। आप निश्चिंत रहिए, आपको एक भी काम नहीं करना पड़ेगा। पहले तो हमने टल ली थी लेकिन अब हमने सोचा है कि आपकी जिम्मेदारी ले ही लेंगे। क्या बोला, पहले तुम निठल्ली थी? अरे तुम आज भी निठल्ली ही हो। कौन सी सयानी बनकर लौटी हो? अरे माँ, आप अपनी चुड़ैल बेटियों को एक मौका तो दो। तुम्हारी ये करतूत देखने के बाद मन तो नहीं कर रहा है कि तुम्हें एक मौका दो। लेकिन तुम पांचों मेरा इतना सर खा रही हो तो जाओ, एक दिन के लिए तुम्हें घर संभालने को दिया। अगर कोई गड़बड़ हुई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। आपसे बुरा कोई है भी नहीं। पांचों चुड़ैलें अपनी माँ की बात सुनकर काम पर लग जाती हैं।
एक सारे जले साफ करती है बर्तन, एक पौधों में पानी डालती है, तीसरी पोछा लगा रही होती है, चौथी फिर से खाना बनाती है और पांचवी चुड़ैल कपड़े प्रेस करती है। रज्जू आराम से बेड पर लेटकर फल खा रही थी, तभी अचानक से उसे तोड़ फोड़ की आवाज आती है। अरे मैया, अब मेरी चुड़ैल लड़कियों ने क्या तमाशा कर दिया, जाकर देखूं। ये बोलते ही रज्जो जैसे ही अपने कमरे से बाहर निकलती है तो गीले फर्श की वजह से गिर जाती है और कहती है, अरे राम, मर गई मैं, मार डाला रे, खुद तो चुड़ैल बन गई, अब मुझे भी अपनी तरह चुड़ैल बनाना चाहती हो क्या? अरे कहां मर गई काम चोरों, मेरी कमर टूट गई। क्या हुआ माँ, आपको कैसे लग गई? सॉरी माँ, अभी फर्श सूखा नहीं था, अब क्यों आ गई? चुड़ैल औलाद, तेरा पोछा लगाने का क्या फायदा है? बड़ी वाली जाले साफ करके तो तेरे पोछे पर ही गिरा रही है, क्या फायदा तुम दोनों की सफाई करने का? सॉरी माँ, गलती हो गई। अब उठा भी ले मुझे, देखूं तो उन तीनों की क्या तिकड़म चल रही है। रज्जू जैसे ही बाहर जाती है तो देखती है कि उसकी तीसरी बेटी ने गमले तोड़ दिए, एक ने प्रेस से सारे कपड़े जला दिए और एक ने रसोई में सारा सामान फैला दिया। ये देखकर रज्जू अपना सिर पीटने लगती है। हे भगवान, मेरी ही बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी जो मैंने तुम्हें एक मौका दिया, तुम पांचों बेवकूफ लड़कियों ने मिलकर मेरी नाक में दम कर दिया। अरे मुझे तो यकीन नहीं होता कि मैंने तुम पांचों बेवकूफ चुड़ैलों को जन्म दिया है। अभी के अभी पांचों मेरे घर से निकल जाओ। माँ, हमें माफ कर दो लेकिन घर से बाहर मत निकालो। चली जाओ नजरों से दूर, वरना तांत्रिक से कहकर तुम्हें भस्म करवा दूंगी। ठीक है माँ, हम जा रहे हैं। पांचों चुड़ैल बहनें घर से बाहर निकल जाती हैं, जिसके बाद वो बच्चों को देखकर कंचे खेलने लगती हैं। ये देखकर छोटे छोटे बच्चे डरकर भाग जाते हैं। कभी वो चुड़ैलें बाहर किसी का भी दरवाजा बजाकर भाग जाती थीं, तो कभी लोगों को हवा में उठाकर कहती हैं, अरे वाह यार, हवा में उड़ाकर तो बहुत मजा आ रहा है। दिशा, अब मेरी बारी, इन अंकल को मैं भी हवा में उठाऊंगी। ये वोहू, अब मजा आया ना यार, क्या मस्त पतंग की तरह उड़ा रही हूँ मैं। अरे अरे, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूँ, अरे छोड़ दो मुझे, अरे बख्श दो, अरे डर लग रहा है मुझे। ऐसे कैसे अंकल, मुझे भी तो आपको पतंग की तरह उड़ाना है, अभी थोड़ी देर ऊपर ही रहो। इस तरह पांचों चुड़ैल तंग करती हैं, साथ ही गांव के हर इंसान को परेशान करती हैं। काम में हाथ बढ़ाने की जगह काम को और बिगाड़ कर आती हैं। गांव के लोग उन पांचों चुड़ैलों से परेशान हो चुके थे, इस वजह से वो एक दिन तांत्रिक को बुला ही लेते हैं। तभी वो तांत्रिक पांचों चुड़ैलों पर अभिमंत्रित भस्म डालकर उन्हें तड़पाता है। अपनी बेटी की खबर सुनकर रज्जू तांत्रिक के पास पहुंच जाती है और हाथ जोड़कर कहती है, बाबा बाबा, मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ, मेरी बेटियों को इस तरह तड़पाइए मत, आपको जो पूछना है मुझसे पूछिए, ये नादान है, भोली है। अच्छा, पांचों बेवकूफ चुड़ैल की माँ तू है, तो बता ये ऐसे क्यों कर रही है? कुछ समय पहले की बात है, जैसे जैसे मेरी पांचों बेटी बड़ी होती गई, वैसे ही वो काम बिगाड़ने लग गई थी। एक से मैं ठंडा पानी मांगती थी तो वो पंखे से पानी को ठंडा करके लाती थी, दूसरी को पापड़ भूनने को कहती थी तो वो धूप में पापड़ को रख कर आती थी, तीसरी से घर साफ करने को बोला तो उसने सारा सामान ही साफ कर दिया। धीरे धीरे इनके इन कमियों को भूलने लग गई, लेकिन कुछ वक्त बाद पांचों ने काम भी करना शुरू कर दिया, जिस वजह से मैंने इनसे काम करवाना बंद कर दिया। उसके बाद वो ये ना करके खेल कूद, छुपन छुपाई, पिट्ठू ग्राम खेलती थी। ऐसे ही एक दिन वो सड़क पर बैडमिंटन खेल रही थी। अरे ऐसे मजा नहीं आएगा, हम दो टीम बनाकर इस रोड पर खेलते हैं, यहाँ कोई गाड़ी भी नहीं आ रही है। हाँ रिंकी, तूने बिल्कुल ठीक कहा। पांचों रोड के बीचों बीच बैडमिंटन खेलती हैं, जिसके बाद एक ट्रक वाला उन्हें मार कर चला जाता है और वो चुड़ैल बन जाती हैं। मरने के बाद भी रज्जो का काम करने में हाथ बटाती है, मगर पांचों जाने अनजाने काम को और फैला देती थी। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, मेरी बच्चियों को ज्यादा मत सताइए। माँ, हमें माफ कर दो। हाँ माँ, हमने बहुत लोगों को परेशान किया, अब हम सभी लोगों से माफी मांगते हैं। भले ही तुमने माफी मांग ली हो, लेकिन अब तुम्हें जाना होगा। ओम ईम क्लीम चामुंडाय विचे स्वाहा। तांत्रिक चुड़ैल की आत्माओं के ऊपर मंत्र फूंकता है, जिसके बाद पांचों की मुक्ति हो जाती है और वो हमेशा के लिए रज्जो को छोड़कर चली जाती हैं। हे भगवान, चुड़ैल चुड़ैल मुझे माफ कर दे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़कर माफी मांग रहा हूँ, मुझे मत मार, मुझे मत मार। मैं तुझे मारूंगी और तेरा खून पियूंगी, तभी तो मैं सुंदर और जवान दिखूंगी, वरना मैं अपने पति के सामने बुरी शक्ल लेकर जाऊंगी तो वो मुझे पसंद भी नहीं करेगा, वो मुझे बुढ़ी बोलकर रिजेक्ट कर देगा, इसीलिए मुझे इंसान के खून की जरूरत है। मैं तुम लोगों का खून पीऊंगी और खुद की सुंदरता को बरकरार रखूंगी।
इतना बोलकर चुड़ैल उस आदमी के गर्दन पर झड़प जाती है और उसकी गर्दन पर काट कर उसके पूरे शरीर का खून पी जाती है। खून पी जाने के बाद चुड़ैल अपने चेहरे पर लगे हुए खून को अपनी लंबी जबान से चाटती है और हंसते हुए बोलती है, मेरे जानू, मैं तुम्हारा इंतजार कब से कर रही हूँ। कब तुम इस दुनिया पर दोबारा जन्म लोगे और कब मैं तुमसे शादी करूँगी। खैर, जो भी है, आप भले ही ज्यादा टाइम लगा रहे हो, लेकिन मैं आपका बेसब्री से इंतजार कर रही हूँ। हाँ। इतना कहकर चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद रघु का मृत शरीर जो कि पीला पड़ा हुआ था, गांव वाले उसके शरीर को देखकर आपस में बात करते हुए बोलते हैं, अरे बाप रे बाप, ये तो अपना रघु है। इसके शरीर में तो एक भी खून की बूंद नहीं है। आखिर इसको इतनी भयानक किसने मौत दे दी। राम 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 राम, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन इसको जिसने भी इतनी भयानक मौत दी है, मैं तो कितना कहना चाहता हूँ कि वो बहुत ही बड़ा दरिंदा होगा भैया। खैर, जो भी है, हमें इसकी लाश का अंतिम संस्कार करना ही होगा। इतना कहकर वो लोग रघु का अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद अगली रात एक बार फिर वो चुड़ैल गांव में घूमती है और रघु के जैसे ही एक इंसान को फिर से मार देती है। इस तरह वो चुड़ैल आए दिन किसी न किसी को मौत के घाट उतार रही थी। गांव वाले उस चुड़ैल के इस आतंक से बहुत ही ज्यादा परेशान हो रखे थे कि तभी उस गाँव में एक सुनैना नाम की औरत को एक सुंदर सा लड़का होता है। जैसे ही वो लड़का होता है, वैसे ही वो औरत अपने मायके चली जाती है और अगले 5 साल के बाद वो अपने 5 साल के लड़के मयंक के साथ उस गांव में वापस आती है। जैसे ही मयंक उस गांव में अपना पहला कदम रखता है, वैसे ही सोई चुड़ैल अपनी आंखें खोलकर गाना गाती है, आहा, जिसका मुझे था इंतजार, वो घड़ी आ गई आज, जीना है मुझको तो मर जाना है आज, प्यार में हद से गुजर जाना है आज। आखिर वो मेरे पास आ ही गया है, अब मुझे उससे कोई भी जुदा नहीं कर सकता, और अगर कोई भी मेरे और उसके बीच में आएगा तो मैं उसको किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगी, मैं सभी को मार दूंगी। इतना कहकर वो चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद रात को अचानक ही वो 5 साल के बच्चे मयंक के पास पहुँच जाती है और वो उसे आवाज लगाते हुए बोलती है, मयंक, क्या तुम मुझसे दोस्ती करोगे? मैं तुम्हारा इंतजार पिछले 20 सालों से कर रही थी। चुड़ैल एक बच्चे के भेष में आती है और उसका हाथ पकड़कर उससे बोलती है, मयंक, देखो मैं तुम्हारी दोस्त बनना चाहती हूँ। तुम यहाँ पर नए आए हो, इसीलिए तुम्हें यहाँ की बिल्कुल भी नॉलेज नहीं होगी। मैं तुम्हें यहाँ पर बहुत अच्छे से घुमाऊंगी और तुम्हारी दोस्त भी बन जाऊंगी। मयंक अभी छोटा था, इसलिए वो उसकी बातों में आ जाता है और उससे दोस्ती कर लेता है। इस तरह अब वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगे। पूरे दिन भर तो चुड़ैल मयंक के साथ रहती, लेकिन रात होते ही वो एक भयानक चुड़ैल में तब्दील हो जाती और इंसानों को मारती। अब उस गांव में जब से मयंक आया था, तब से लोगों की मौत कुछ ज्यादा ही होने लगी। ये सब देखकर सभी गांव वाले चिंता में पड़ गए थे। उसी रात मयंक चुड़ैल के साथ खेल रहा था कि तभी मयंक के माता पिता उसे अकेले में खुद से बात करते हुए देख लेते हैं और वो एक दूसरे से बोलते हैं, चंदन जी, देखो तो हमारा बेटा किससे बात कर रहा है। सुने ना, यही मैं देख रहा हूँ, हमारे बेटे के पास तो कोई भी नहीं है। आखिर वो किसके साथ खेल रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। इतना कहकर चंदन और सुनैना दोनों ही मयंक के पास जाते हैं और उससे बोलते हैं, बेटा मयंक, तुम किससे बात कर रहे हो, किसके साथ खेल रहे हो तुम। उसकी ये बात सुनकर सुनैना और चंदन दोनों ही हक्के बक्के रह जाते हैं। ये सुनते ही चंदन अपने घर के मंदिर में जाता है और उधर से लाल सिंदूर लाकर अपने बेटे के माथे पर लगा देता है। ये देखकर चुड़ैल गुस्से में आ जाती है और अपने असली रूप में सभी के सामने आ जाते हुए बौखलाते हुए बोलती है, तेरी इतनी हिम्मत कि तूने मुझे मेरे प्यार से अलग करने की कोशिश की, अब तू नहीं बचेगा। चुड़ैल चंदन को कुछ करती से पहले चंदन सिंदूर चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है और उससे बोलता है, तू मेरे बेटे के पीछे क्यों पड़ी है, तू मुझे सच बता दे,
सिंदूर के पड़ने से चुड़ैल अब कमजोर हो जाती है और दर्द में चिल्लाते हुए बोलती है, बताती हूँ, आज से 20 साल पहले मैं मोहिनी नाम की लड़की एक रोहन नाम के लड़के से बेहद प्यार करती थी, लेकिन इन गांव वालों को मेरा प्यार मंजूर नहीं था, सिवाय इसलिए क्योंकि रोहन एक छोटी जाति का था। मोहिनी, ये गांव हमारे प्यार को कभी भी नहीं अपना पाएगा और मैं तुम्हारे बिना रह भी नहीं पाऊंगा। तुमसे जुदा होने की सजा से तो अच्छा ये है कि मैं तुम्हारे सामने अपनी जान दे दूं। नहीं रोहन, तुम मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकते। मैंने तुम्हारी जाति से नहीं बल्कि तुमसे प्यार किया है। वो दोनों आपस में बात कर ही रहे थे कि तभी मोहिनी के पिता उन्हें देख लेते हैं। मोहिनी के पिता गांव के सरपंच थे। ये देखकर उनको गुस्सा आता है और वो अपने कुछ आदमियों को लेकर रोहन के बाल पकड़कर उसे घसीटते हुए सभी गांव वालों के सामने लाते हैं और बोलते हैं, देखो इस बेशर्म नीच जाति वाले इंसान को। इस इंसान की इतनी हिम्मत हुई कि इसने हमारी घर की इज्जत पर हाथ डालने की कोशिश की है। इसके हाथ को काटना ही होगा। अगर आज इसके हाथ को हमने छोड़ दिया तो कल को कोई और नीची जात का आदमी किसी और के घर की इज्जत पर हाथ डालेगा। इस गांव के प्रथा के अनुसार ये इंसान अब जिंदा नहीं बचेगा। पिताजी, आप ये कैसी बात कर रहे हैं? मैं रोहन से प्यार करती हूँ। इसमें सिर्फ और सिर्फ रोहन की ही नहीं बल्कि मेरी भी रजामंदी है। हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। सरपंच मोहिनी की एक न सुनता और मोहिनी को एक साइड कर देता है, जिसके बाद सरपंच अपने कुछ आदमियों को ऑर्डर देकर पहले तो रोहन के दोनों हाथ कटवा देता है, उसके बाद उसको फांसी पर लटका देता है। उसकी इतनी भयानक मौत देखकर मोहिनी रोने लगती है और अपने पिता के कमर से खंजर निकालकर खुद का गला काट कर मर जाती है। इस तरह हमारी प्रेम कहानी अधूरी रह गई। कुछ साल तो मैं यूं ही भटकती रही, लेकिन मुझे एक बाबा ने मेरे रोहन के पुनर्जन्म के बारे में बताया और आज तक मैं अपने रोहन का इंतजार करती हूं। लेकिन मेरा रोहन इस मयंक के रूप में आ ही गया। अब मैं इससे शादी करके इसे अपने साथ अपनी दुनिया में ले जाऊंगी। तुम्हारे साथ बहुत ज्यादा बुरा हुआ है मोहिनी, लेकिन तुम एक चुड़ैल हो और मेरा बेटा एक मामूली इंसान है। ये एक बच्चा है और तुम इतनी बूढ़ी चुड़ैल। अगर तुम्हारा कोई बच्चा होता और उसके साथ इस तरह का कुछ हो रहा होता तो तुम क्या करती? अगर तुमने चुड़ैल बनकर मेरे बेटे को पाने का प्रण ना लिया होता तो शायद आज तुम्हारा भी पुनर्जन्म हुआ होता। मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, मेरे बेटे को छोड़कर चली जाओ। क्या पता तुम्हें तुम्हारा प्यार मिल जाए। मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन तुम लोगों को मेरी शादी मयंक से करवानी होगी। शादी करने के बाद मैं यहाँ से मुक्त हो जाऊंगी और अगले 2 साल के बाद मैं दोबारा इस धरती पर जन्म लूंगी, जिसके बाद तुम्हें मेरी शादी मयंक से ही करवानी होगी। इस तरह मैं यहाँ से शांति से मुक्त हो पाऊंगी और मुझे मेरा पिछले जन्म का प्यार भी मिल जाएगा। सुनैना और चंदन दोनों ही चुड़ैल की बात से सहमत होते हैं और चुड़ैल की शादी मयंक से करवा देते हैं। इस तरह चुड़ैल अब उस गांव से मुक्त हो जाती है और मयंक भी उस चुड़ैल के चंगुल से आजाद हो जाता है। वो गांव और मयंक का परिवार सभी लोग अब खुशी से एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं।